का महापर्व छठ पर्व की शुरुआत 5 नवंबर यानी कल से हो जाएगी और आस्था के इस महापर्व से पहले घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा, लाइट को लेकर पर्याप्त व्यवस्था की जाती है ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। इस वक्त मैं हूँ चापदानी के इंदिरा मैदान पर और हमारे साथ है चापदानी नगर पालिका के चेयरमैन सुरेश मिश्रा। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार घाटों की साफ सफाई सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम नगर पालिका के तरफ से किए गए हैं। नमस्कार, सबसे पहले मैं सभी भक्तों को छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, साथ ही साथ चापदानी पौरसभा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिस प्रकार से हम लोग चापदानी पौरसभा के विभिन्न रास्तों घाट के जो सफाई करते हैं हम लोग, वो काम हम लोगों का चालू है। ये तो प्रचुर यहाँ चापदानी में प्रचुर संख्या में लोग जो हैं ये छठ पूजा करते हैं। यहाँ पर इंदिरा मैदान हम लोगों का जो मैदान हम लोगों का है, यहाँ एक घाट हम लोगों का है, इस मैदान में विशेष करके चापदानी के विभिन्न इलाकों से लोग यहाँ आते हैं, पहुँचते हैं और पौरसभा के नाते हम लोगों का दायित्व तो बढ़ जाता है हम लोगों का, ताकि जितने भी छठ पर्व भी हैं उनको कोई समस्या ना हो रास्ते में। तो हम लोगों ने चापदानी पौरसभा के विभिन्न रास्तों का हम लोगों ने जहाँ पर अवस्था जहाँ ख़राब है, डैमेज है, जहाँ पर हम लोग वहाँ काम करवा रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो रास्ता जो छठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको लोग साफ सफाई, रास्ता का रिपेयरिंग, जितने भी घाट हम लोगों का है, इंदिरा मैदान घाट हो, चाहे हम लोगों का तीर्थला घाट हम लोगों का हो, हरेश्वर का घाट हम लोगों का हो, तमाम घाट पर साफ सफाई के काम जो हम लोग का चल रहा है हम लोगों का आप देख ही पा रहे हैं। हम लोग की इच्छा रहती है कि जितने भी हमारे पर्व हैं वो कोई समस्या ना हो, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक समस्या जो हम लोगों का होता है यहाँ पर होली को लेकर आप देख पा रहे हैं, खास करके जब ज्वार भाटा होता है उस समय लोगों को समस्या होता है। ज्वार है तो ठीक है, अगर ज्वार नहीं है अगर उस समय क्या होता है कि सामने इतना पोली जमा हुआ है कि कुछ जो हमारे व्रती हैं उनको प्रॉब्लम भी होता है, समस्या होता है। ये तो हम लोग साफ़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मैटर ही यहाँ पर है। हम लोग निवेदन करेंगे कम से कम डिपार्टमेंट को या हम लोगों को परमिशन दे या खुद सफाई कर दे। क्या होता है कि अगर हम लोग साफ सफाई पर उतर जाएँ, अगर हम लोग होली काटना शुरू कर दें अगर, तो विभिन्न तरह का जो इल्ज़ाम हम लोग ऊपर चला आता है कि हम लोग गंगा का माटी काट कर हम लोग नहीं चलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों का सुविधा ना हो, इसके लिए जो जो करना पड़े हम लोगों को हम लोग करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत शांतिपूर्वक छठ का जो पूजा है, पर्व है, वो पालन होगा और किसी भी व्रतियों को कोई असुविधा नहीं होगा। जिस तरह से विशरा को मिनी भारत माना जाता है, उसी तरह से चापदानी में भी हिंदी भाषियों की भरमार है और एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है छठ पर्व मनाया जाता है। तो इस वर्ष छठ व्रतियों की सुविधा के लिए, ताकि कोई अनहोनी घटना न घटे, क्या घाट को नेट से घेरने की कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, पिछले बार हम लोग नेट से घेरे थे हम लोग, क्योंकि समस्या क्या हुआ था ना कि अगर ज्वार है तो ठीक है, अगर भाटा हो जाता है अगर, तो बहुत लोग नेट पे फंस गए थे पिछले बार। तो हम लोग पर्याप्त हम लोग वॉलंटियर रख रहे हैं इस बार हम लोग, इसके अलावा बोट के जरिए हम लोग सामने हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे ताकि किसी कोई असुविधा ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि माँ की असीम कृपा है, सूर्यदेव का ये बहुत बड़ा हम लोग पर आशीर्वाद है कि आज तक खास करके छठ पूजा के दिन ऐसे कोई घटना नहीं घटा है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि कहाँ तक हम लोगों को जाना है, तो असुविधा नहीं होगा। हम लोग हैं वॉलंटियर्स, हम लोगों का है और हम लोग कोई असुविधा होने नहीं देंगे। छठ पूजा के दौरान पॉकेट मार और ये चिंताई बात सक्रिय हो जाते हैं, तो इतने बड़े पैमाने पे छठ पर्व का आयोजन होगा जहाँ कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में छठ व्रतियों का यहाँ पे समागम होगा, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? तो इसके लिए हम लोगों की ऑलरेडी 2-3 मीटिंग हम लोगों का हो गया है। आज भी हम लोगों का छठ पूजा को लेकर चादरी टीओपी हम लोगों का एक मीटिंग हम लोगों का है। इंदिरा मैदान में पर्याप्त मात्रा में पुलिस रहती है, यहाँ पर महिला पुलिस रहती है यहाँ पर, इसके साथ विभिन्न क्लब जो हमारे चापदन क्षेत्र का है उस क्लब के तमाम वॉलंटियर्स रहते हैं, हम लोग उस पर निगाह रहते हैं, रखते हैं हम लोग हैं। साथ ही साथ हम खास करके हम लोग अपनी माताओं बहनों से भी हम अनुरोध करेंगे कि कीमती सामान पहन के आप ना, क्योंकि भीड़ में संभव नहीं है लोगों को देखना, ये अपना भी दायित्व हम लोग का बनता है कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें हम लोग। तो जितना कम कीमती आभूषण पहन के आइएगा उतना ज़्यादा हम लोग मतलब आपकी रक्षा कर पाएंगे हम लोग, और आपका भी बड़ा लॉस होने से आप लोग बच जाएंगे। चापदानी नगर पालिका के तहत कितने घाट आते हैं? फिलहाल जो घाट हम लोग का इस्तेमाल होता है हम लोगों का, तकरीबन समझ लीजिए आप
पांच ऐसा घाट हम लोगों का है, एक मनुष्य के पास है, फलता घाट हम लोगों का है, इंदिरा मैदान हम लोगों का घाट हम लोगों का है, और दो घाट हम लोगों का है। इसके अलावा चापदानी के कुछ लोग जो हैं हम लोगों का जो ESI का जो घाट है, ESI वहाँ भी लोग मतलब उसको जाते हैं वहाँ पर, लेकिन ESI जो इलाका हम लोगों में नहीं पड़ता है वो पड़ जाता है चंद्रनगर कॉरपोरेशन में। तो वहाँ के जो पार्षद हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो इस बात का भरोसा दिलाए हैं कि लोगों को असुविधा ना हो इसके ऊपर ध्यान रखेंगे वो। नगर पालिका के चेयरमैन सुरेश मिश्रा ने बताया कि चापदानी नगर पालिका के तहत पांच घाट पड़ते हैं और पांच घाटों पर साफ सफाई सुरक्षा से लेकर सभी तरह के इंतजाम जो है लगभग पूरे कर लिए गए हैं और युद्ध स्तर पे यहां पे काम चल रहा है। लेकिन छठ व्रतियों के लिए इंदिरा मैदान घाट पे पोली एक बड़ी समस्या बनकर उभरती है, क्योंकि पोली की वजह से पिछले साल भी कुछ छठ व्रती यहाँ पे नेट पर फंस गए थे, उसके वजह से थोड़ी सी असुविधा हुई है। तो उनका कहना है कि ये जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अगर अनुमति दे तो वो पोली कटवा सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए, मैं जय चौधरी, दस्तक पर।